नमस्कार। बिगुल बज चुका है, संग्राम शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा 2022 का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 14 तारीख में प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा होगा बंद। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर बंधेगा यूपी के सीएम का सरताज, यह तो जनता तय करेगी। 10 मार्च को किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, देखिए मेरे साथ ये समाचार जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। आज के मुख्य समाचार। बाबा बुलडोजर की सरकार दोबारा बनने जा रही है, सुनील राजपूत। खबर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से है। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी के सैकड़ों समर्थकों ने विधानसभा गोसाईगंज के सिंहगोरी नुक्कड़ के पास चाय चर्चा के दौरान क्षेत्र की जनता को नववर्ष का कैलेंडर बांटकर आने वाली 27 फरवरी को मतदान देने की अपील की। दौरान भाजपा के कदावर नेता सुनील राजपूत ने योगी और मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए क्षेत्र की जनता से मतदान करने की गुजारिश की है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा कार्यकर्ता सुनील राजपूत ने बताया कि विधानसभा गोसाईगंज का क्षेत्र का पूरा माहौल भगवा रंग में लहरा रहा है। चारों तरफ श्री राम जय के नारे लग रहे हैं। हर 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 मोदी, घर घर मोदी की गूंज बच्चों से लेकर बुजुर्ग के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते यह भी बताया कि हमारी प्रत्याशी आरती तिवारी 50,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने जा रही है। सुनील राजपूत ने सपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके हौसले पस्त हो गए हैं, हमको धमकियां दी जा रही है। सपा प्रत्याशी पर जोरदार हमला करते हुए भाजपा पदाधिकारी सुनील राजपूत ने कहा, हमको कहा जा रहा है कि दूसरे के माध्यम से चुनाव आने के बाद दोनों भाइयों को देख लेंगे। भाजपा कार्यकर्ता सुनील राजपूत ने सपा पर आरोप लगाते यह भी बताया कि बेटी कला प्रचार प्रसार के दौरान खुले मन से हमको धमकियां दी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज यादव की यह रिपोर्ट। पूरा पूरा भगवामय माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 50,000 की लीड लेके हम लोग जीत रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें। बौखला गए हैं, बौखलाहट के हालत में हुड़दंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही हमारे ही गांव के अंदर बैती कला में आए और वहां पे किसी खुले मंच पे उन्होंने धमकी दिया कि इलेक्शन के बाद ये दोनों भाई को देख लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ये सब बेबक बातें हैं इन लोगों की, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बौखला गए हैं और हम लोग पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड अगर जो होगी तो गोसाईगंज विधानसभा की होगी और आरती तिवारी जी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे हम लोग विजय होंगे और 50,000 के ऊपर लीड लेंगे। जिस तरह से निषाद राज पार्टी हम लोगों के साथ है, अपना दल का गठबंधन है और इतनी संख्या में ये लोग तन मन धन से ये लोग जो जुड़ गए हैं, जो मोदी जी की और योगी जी की जो योजनाएं हैं इसका लाभ एक एक घर में जा रहा है। पक्के मकान, बाथरूम, दो टाइम का आपको महीने में आपको अनाज मिल रहा है, दो टाइम का हर तरह की सुविधा इस गवर्नमेंट में है। अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं रहती तो इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती। इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं थी, सिर्फ लूट खसोट दंगा प्रसाद मारा मारी दुनिया भर के चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बुलडोजर बाबा की सरकार बनी और बुलडोजर बाबा ने जो बदमाशों को या तो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या तो उन्होंने जेल का रास्ता पकड़ लिया है। तो बाबा की सरकार बनेगी और फिर से ये दंगाइयों के ऊपर जो अभी निकल चुके हैं ये दंगाई लोग उनके ऊपर फिर से बुलडोजर चलेगा।